रुक्मणी लड़ने लगे श्री कृष्ण जी से, कह लगे धर्म पत्नी मैं हूं आपके, और सारी दुनिया नाम राधा का लेती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कृष्ण जी ने बड़ी समझाने की कोशिश की कि राधा में प्रेम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। राधा का प्रेम है, तेरा मोह है, फर्क है, पर ना मानी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कृष्ण जी बीमार पड़ गए, इतने बीमार पड़ गए कि सारे वैद्य थक गए और सब ने कह दिया कि अब ये नहीं बचेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये लीला अपनाई कृष्ण जी ने समझाने के लिए रुक्मणी को। ध्यान से समझना निस्वार्थ प्रेम क्या होता है। प्रेम के कई पहलू हैं और हर पहलू सच्चा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और रुक्मणी ने कहा कि आप तो भगवान हैं, आप तो बताओ, कोई तो रास्ता होगा आपको ठीक करने का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कृष्ण जी कहने लगे है तो सही पर कोई करेगा नहीं। रुक्मणी कहने लगे मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, बताइए क्या करना है। कृष्ण जी कहने लगे कोई अपने चरण धोकर चरणामृत मुझे पिलाए, मैं ठीक हो जाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। रुक्मणी ने हाथ जोड़ दिए, ना बाबा ना, मैं अपने चरण धोकर आपको पिलाऊं, नरकों में भी जगह नहीं मिलेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कृष्ण जी कह लगे चल तू नहीं कर सकती तो ढिंडोरा पिटवा दे, शायद कोई कर दे। नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया गया, कोई भी ना आया कि कौन अपने चरण धोकर कृष्ण जी को पिलाएगा और पाप का भागीदार बनेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भगवान को अपने चरण धोकर पिलाए, पर जैसे ही राधा ने सुना दौड़ कर आए, अपने पैर चरण धोए, जल लेकर कृष्ण जी को पिला दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। रुक्मणी कहने लगी ये तूने क्या किया, नरकों में जाना पड़ेगा। राधा कहने लगी हजार नरक कबूल, मेरा कृष्णा ठीक हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हजार नरक कबूल, कृष्ण जी ठीक हो जाए। कृष्ण जी कहने लगे ये है प्रेम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।